गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन और रॉड घर के बाहर बैठे हैं। चलो सब नए साल की पिकनिक मनाने कहीं चलते हैं। हाँ बाबा सही कह रहे हो, चलो सब कहीं चलते हैं। चलो सब जंगल में चलते हैं। नहीं गुल्ली, हम लोग जंगल में कई बार घूमने जा चुके हैं, इस बार कोई नई जगह चलते हैं। रॉड कहता है चलो सब इजिप्ट चलते हैं। लेकिन रॉड, इजिप्ट तो यहाँ से बहुत दूर है। बाबा कहते हैं उसकी चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त है जो हमें इजिप्ट बहुत जल्दी पहुँचा देगा। मैं घर जाकर अपने दोस्त को बुलाता हूँ, तब तक तुम लोग मेरे घर पहुँचो। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। चलो बुल्ली और शॉन सब तैयार हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड तैयार हो जाते हैं। चलो सब लोग जीप में बैठ जाओ। गुल्ली बुल्ली शॉन जीप में बैठ जाते हैं। रॉड सबको लेकर बाबा के घर पे जाने लगता है। ये लोग एक सुनसान जंगल से होकर बाबा के घर पे जा रहे थे। शॉन कहता है गुल्ली मैंने सुना है इजिप्ट में ममीज होती है जो कि इंसानों को मार कर खा जाती है। शॉन तुम उसकी चिंता मत करो, अगर ममीज हमें खाने आती है तो मैं उसे मार कर भगा दूंगा। वो देखो बाबा का घर आ गया। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड जीप से नीचे उतरकर बाबा के पास आते हैं। गुल्ली ने बाबा से कहा बाबा आपका दोस्त कहाँ है? वो देखो मेरा दोस्त आ गया। ये तो ड्रैगन है। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये देखकर बहुत डर जाते हैं। ड्रैगन नीचे उतरकर सबसे पहले बाबा के पैर छूता है। बाबा ड्रैगन को आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो ड्रैगन। गुल्ली बाबा से कहता है बाबा ये तो ड्रैगन है, मैंने तो सुना है ड्रैगन इंसानों को मार कर खा जाते हैं। बाबा गुल्ली से कहते हैं गुल्ली ये ड्रैगन भी पहले इंसानों को खाया करता था, लेकिन फिर मैंने इसे मार मार कर सबक सिखा दिया और अब ये इंसानों को नहीं खाता। गुल्ली कहता है वाह ये तो अच्छा वाला ड्रैगन है। बाबा सबसे कहते हैं चलो सब ड्रैगन पे बैठ जाओ। गुल्ली बुल्ली शॉन रॉड और बाबा ड्रैगन पे बैठ जाते हैं। बाबा ड्रैगन से कहते हैं चलो ड्रैगन। गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉड ड्रैगन पे बैठकर खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। काफी देर सफर करने के बाद सभी लोग इजिप्ट पहुंच जाते हैं। बाबा सबसे कहते हैं गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड हम लोग इजिप्ट पहुंच गए। गुल्ली बुल्ली और शॉन इजिप्ट के पिरामिड्स देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। शॉन गुल्ली और बुल्ली से कहता है गुल्ली बुल्ली वो देखो पिरामिड्स, मैंने ऐसे पिरामिड अपने बुक में देखे हैं। हाँ शॉन ऐसे पिरामिड मैंने भी अपने बुक में देखे हैं। रॉड बाबा से कहता है बाबा मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, आज रात हम इसी गांव में रुक जाते हैं। बाबा कहते हैं ठीक है रॉड, ड्रैगन हमें नीचे उतार दो। सभी लोग नीचे उतरते हैं। बाबा इस गांव में तो कोई भी नहीं है। रॉड मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस गांव में कोई है क्यों नहीं। ये लोग बातें कर रहे थे और इन्हें पता भी नहीं है कि एक मम्मी पेड़ पे चढ़कर इन्हें देख रही है। लगता है इस गांव में मम्मीज का राज है और इस गांव में सिर्फ मम्मीज रहती हैं। मम्मी पेड़ से नीचे उतरती है और दौड़कर कहीं चली जाती है। गुल्ली को बहुत तेज भूख लगी है, मैं तो जल्दी जल्दी में घर से खाना लाना ही भूल गया। तुम लोग उसकी चिंता मत करो, मैं अपनी जादुई शक्तियों से यहाँ ढेर सारा खाना मंगा देता हूँ। और फिर बाबा अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ ढेर सारा खाना मंगा देते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉर्ट पिज्जा बर्गर और केक्स देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सभी लोगों ने जमकर खाना खाया। खाकर बाबा सभी लोगों से कहते हैं चलो सब लोग इस घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं इजिप्ट में बहुत सारी ममीज होती है और वो इंसानों को मार कर खा जाती है, इसलिए तुम लोगों को सावधान रहना होगा। और फिर सभी लोग सो जाते हैं।
लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि इन लोगों ने इस गांव में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो मम्मी अपने साथ कई सारी मम्मीज को लेकर आती है और इन सभी मम्मीज ने मिलकर बुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा के घर को चारों तरफ से घेर लिया है। मम्मी शॉन पे अपना जादू चलाती है और शॉन को हिप्नोटाइज कर अपने वश में कर लेती है। शॉन घर के बाहर आता है। सारी मम्मी शॉन के पास आती है। मम्मी शॉन से कहती है, अब तुम मेरे वश में हो, तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे बोलूंगी। शॉन कहता है, ठीक है, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। मम्मी शॉन को चार इंजेक्शन देती है और कहती है, ये इंजेक्शन ले जाकर उन सभी को लगा दो, इस इंजेक्शन से सभी लोग बेहोश हो जाएंगे। शॉन मम्मी से इंजेक्शन लेता है और उस इंजेक्शन को ले जाकर गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड को लगा देता है। गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड नींद में ही बेहोश हो जाते हैं। शॉन घर से बाहर आता है और मम्मीज से कहता है, मैंने सभी को इंजेक्शन लगा दिया। मम्मीज अपने साथियों से कहती है, चलो सब घर के अंदर जाकर चारों को उठा लो। मम्मीज घर के अंदर जाकर गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड को उठा लाती है। मम्मी सबसे कहती है, हमें इन्हें लेकर जल्द ही पिरामिड में जाना होगा। जादुई शक्तियों से सभी मम्मीज और शॉन के ऊपर जेट पैक लगा देती है। मम्मी गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉड को लेकर वहां से उड़कर पिरामिड की तरफ जाने लगती है। थोड़ी देर में मम्मीज पिरामिड के पास पहुंच जाती हैं। पिरामिड का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। सारी मम्मीज पिरामिड के अंदर जाती है। मम्मीज गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड को रस्सी से बांध देती है। फिर मम्मी शॉन से कहती है, तुम इनकी पहरेदारी करो और ध्यान रहे, यहाँ से एक भी आदमी बच के नहीं जाना चाहिए। शॉन कहता है, ठीक है मम्मी। मम्मी शॉन को एक गन भी देती है और फिर मम्मीज वहां से चली जाती है। शॉन गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड की पहरेदारी कर रहा है। थोड़ी देर बाद बाबा को होश आ जाता है। बाबा खुद को और गुल्ली बुल्ली रॉड को रस्सी से बंधा पाते हैं। बाबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी बाबा की नजर शॉन पे पड़ती है। बाबा ने देखा शॉन रस्सी से नहीं बंधा है। बाबा शॉन को आवाज लगाते हैं। बाबा को नहीं पता है मम्मी ने शॉन को हिप्नोटाइज किया है। बाबा शॉन से कहते हैं, शॉन मुझे यहाँ से बाहर निकालो। शॉन बाबा को होश में देख लेता है और शॉन बाबा पे गन से फायर करने लगता है। बाबा अपनी ताकत से रस्सी खोल लेते हैं। बाबा बंदूक की गोलियों से बचकर शॉन के पास आते हैं और शॉन को मारकर बेहोश कर देते हैं। लेकिन तभी वहां सारी मम्मीज आ जाती है। मम्मीज बाबा को होश में देखती है। मम्मी अपने साथियों से कहती है, जल्दी जाकर उस बाबा को मार दो। मम्मीज आकर बाबा को पकड़ लेती है और मम्मीज बाबा को मारने जा रही है, लेकिन बाबा खुद को मम्मी से छुड़ा लेते हैं। और बाबा मम्मीज की बहुत भलाई करते हैं। बाबा जब दूसरी मम्मीज को मारने में बिजी थे, तभी एक मम्मी शॉन को उठा लेती है और उसे लेकर वहां से चली जाती है। बाबा शॉन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक मम्मी वहां से चली जाती है। फिर सारी मम्मीज भी वहां से चली जाती है, लेकिन मम्मी की पॉकेट से एक किताब नीचे गिर जाती है। इधर बाबा गुल्ली बुल्ली और रॉड को होश में लाते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और रॉड को सारी बात बताते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा हमें कैसे भी कर शॉन को बचाना होगा। अभी ये बातें कर रहे थे, तभी बाबा की नज़र उस किताब पे जाती है। बाबा उस किताब को उठाते हैं और किताब खोलकर पढ़ने लगते हैं। इस किताब में लिखा है, मम्मी अपने शिकार को लेकर दूसरी दुनिया में चली जाती है। इसका मतलब है मम्मी शॉन को लेकर दूसरी दुनिया में गई है और दूसरी दुनिया तक पहुंचने का रास्ता हमें सिर्फ एक जिन ही बता सकता है। वो जिन एक चिराग में कैद है और वो जिन का चिराग एक पुराने पैलेस में रखा है। जिन के चिराग को हासिल करने की कोशिश कई लोगों ने की है, लेकिन उस चिराग तक कोई नहीं पहुंच पाया।
क्योंकि चिराग की रखवाली कई सारे मॉन्स्टर्स कर रहे हैं। किताब पढ़कर बाबा गुल्ली बुल्ली और रॉड से कहते हैं, हमें कैसे भी करकर उस चिराग तक पहुंचना होगा, चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। उस पुराने पैलेस तक पहुंचने का नक्शा इस किताब में है। चलो सभी लोग पुराने पैलेस पे चलते हैं। गुल्ली बुल्ली, बाबा और रॉड पिरामिड से बाहर आते हैं। बाबा ने गुल्ली बुल्ली और रॉड से कहा, मैं यहाँ ड्रैगन को बुला लेता हूँ, वो हमें चिराग तक जल्दी पहुँचा देगा। थोड़ी ही देर में ड्रैगन वहां पहुंच जाता है। बाबा ड्रैगन से कहते हैं, हमें जिन्न के चिराग को ढूंढना है और उस चिराग तक पहुंचने का रास्ता इस किताब में है, हमें जल्दी चिराग तक पहुंचा दो। ड्रैगन कहता है, ठीक है बाबा, सभी लोग बैठ जाओ। गुल्ली बुल्ली, बाबा और रॉड ड्रैगन पे बैठ जाते हैं। ड्रैगन उड़ता है और सभी को पुराने पैलेस लेकर जाने लगता है, जहाँ जिन्न का चिराग रखा है। ही देर में गुल्ली बुल्ली, बाबा और रॉड पुराने पैलेस पहुंच जाते हैं। वो रहा पुराना पैलेस। बाबा ड्रैगन से कहते हैं, ड्रैगन हमें नीचे उतार दो। ड्रैगन नीचे आता है। गुल्ली बुल्ली, बाबा और रॉड ड्रैगन से नीचे उतरते हैं। सभी लोग पुराने पैलेस के अंदर जाते हैं। किताब में लिखा है, चिराग की रखवाली बहुत सारे मॉन्स्टर्स कर रहे हैं, इसलिए हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। बाबा, वो रहा जिन्न का चिराग। सभी लोग जिन्न के चिराग को देखकर बहुत खुश होते हैं। गुल्ली बुल्ली, बाबा और रॉड चिराग के पास जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि मॉन्स्टर्स की नजर इन पे पड़ गई है और मॉन्स्टर्स गुल्ली बुल्ली, बाबा और रॉड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। गुल्ली बुल्ली ये देखकर बहुत डर जाते हैं। बाबा सभी से कहते हैं, इनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी मॉन्स्टर बाबा को मारता है, इससे बाबा दूर जा गिरते हैं। बाबा वही बेहोश हो जाते हैं। रॉड ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। रॉड कहता है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं अब तुम लोगों को भी मारूंगा। ये सुरक्षा कवच किसने बनाया? ये मैंने बनाया है। तू फिर से होश में आ गया? हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखा। बाबा का तो एक्सट्रीम मोड ऑन हो गया है। अब बाबा मॉन्स्टर को नहीं छोड़ेंगे। बाबा ने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है। गुल्ली बुल्ली, बाबा और रॉड जिन के चिराग के पास आते हैं। बाबा, मैं चिराग लेकर आता हूँ। रॉड चिराग को लेकर नीचे आता है और चिराग को नीचे रखता है। तभी उस चिराग से एक जिन बाहर आता है। जिन के बाहर आते ही बाबा जिन से कहते हैं, हमने तुमको आजाद किया है, इसके बदले में हमें तुमसे कुछ चाहिए। बाबा की बात सुनकर जिन कहता है, जो हुक्म मेरे आका। बाबा जिन से कहते हैं, मम्मीज हमारे दोस्त शॉन को लेकर दूसरी दुनिया में चली गई है, हमें जल्द से जल्द शॉन को बचाना होगा, लेकिन हमें मम्मीज की दूसरी दुनिया तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता, तुम हमें दूसरी दुनिया तक पहुंचने का रास्ता बताओ। बाबा की बात सुनकर जिन कहता है, जो हुक्म मेरे आका। लेकिन मम्मीज की दूसरी दुनिया में जो भी जाता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता, हमें कैसे भी कर शॉन को बचाना होगा, चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। जिन अपनी जादुई शक्तियों से एक नक्शा लाता है और उस नक्शे को बाबा को दे देता है। इस नक्शे में मम्मी की दूसरी दुनिया तक पहुंचने का रास्ता है। गुल्ली बुल्ली, बाबा और रॉड जिन से बात कर रहे थे। तभी सारे मॉन्स्टर्स होश में आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और रॉड ये देखकर बहुत डर जाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं इन मॉन्स्टरों को नहीं छोड़ूंगा। तभी जिन बाबा से कहता है, इन मॉन्स्टरों को मैं संभालता हूँ, आप सभी मम्मी की दूसरी दुनिया में जाओ। गुल्ली बुल्ली, बाबा और रॉड पुराने पैलेस से बाहर आते हैं। सभी लोग ड्रैगन पे बैठ जाते हैं। बाबा ड्रैगन को नक्शे में देखकर रास्ता बताते हैं। सभी लोग ड्रैगन पे बैठकर मम्मी की दूसरी दुनिया तक जा रहे हैं। ये नक्शा यही तक है, ड्रैगन हमें नीचे उतार दो। सभी लोग ड्रैगन से नीचे उतरते हैं। गुल्ली बुल्ली, बाबा और रॉड ने देखा, वहाँ एक गुफा है।
जिसमें ढेर सारी आग लगी हुई है। बाबा कहते हैं लगता है दूसरी दुनिया तक जाने का रास्ता ये गुफा है। रॉड कहता है लेकिन बाबा इस गुफा में तो बहुत सारी आग लगी हुई है। बाबा रॉड से कहते हैं हमें कैसे भी कर इस गुफा के अंदर जाना होगा और जल्द से जल्द शॉन को बचाना होगा। रॉड कहता है अगर हम इस गुफा में जाएंगे तो हम सब जलकर मर जाएंगे। बाबा कहते हैं उसकी चिंता मत करो, मैं हम सभी के ऊपर सुरक्षा का वच बना देता हूँ। इतना कहकर बाबा सभी के ऊपर सुरक्षा का वच बना देते हैं और सभी लोग गुफा के अंदर जाने लगते हैं। गुफा के अंदर जाते ही सभी लोग एक टनल से होकर दूसरी दुनिया में जाने लगते हैं और थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और रॉड से कहते हैं हम सभी को बहुत ही सावधान रहना होगा वरना मम्मीज को हमारे बारे में पता चल जाएगा। सभी लोग मेरे पीछे आओ। गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड दूसरी दुनिया में शॉन को ढूंढने लगते हैं। तभी रॉड को थोड़ी दूरी पर बहुत सारी मम्मीज दिखाई देती है। रॉड ये बात गुल्ली बुल्ली और बाबा को बताता है। गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड छिपकर मम्मीज को देखने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ शॉन भी दिखता है। गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड शॉन को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन तभी मम्मी को देखकर गुल्ली बुल्ली रॉड और बाबा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली बाबा से कहता है बाबा इस मम्मी को जल्दी से अपनी शक्तियों से मार दीजिए। सभी लोग पीछे हट जाओ। बाबा अपनी पावर से मम्मी पे हमला करते हैं लेकिन मम्मी बाबा के हमले से बच जाती है। बाबा मम्मी पे दोबारा हमला करते हैं लेकिन मम्मी बाबा के इस हमले से भी बच जाती है। बस अब बहुत हुआ। बाबा मम्मी को जमीन में गाड़ देते हैं और बाबा मम्मी को अपनी लेजर से जलाकर मार देते हैं। तभी वहां सारी मम्मीज आ जाती है। ये तूने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। जाओ उसे मारकर मेरे पास लाओ। बाबा ने एक और मम्मी को अपनी लेजर से जलाकर मार दिया है। ये देखकर मम्मी और भी ज्यादा भड़क जाती है लेकिन बाबा एक एक कर सारी मम्मीज को मार देते हैं। मम्मीज को मारकर गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड शॉन के पास आते हैं। शॉन गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड को देखकर बहुत ज्यादा खुश है। शॉन बाबा से कहता है अच्छा हुआ आप सब मुझे बचाने यहाँ आ गए वरना ये सारी मम्मीज मिलके थोड़ी ही देर में मुझे खाने वाली थी। शॉन तुम चिंता मत करो हम तुम्हें बचा लेंगे, मैंने सारी मम्मीज को मार दिया है, अब हमें उस मम्मीज से कोई खतरा नहीं है। इधर सारी मम्मीज को फिर से होश आ जाता है। मम्मीज गुल्ली बुल्ली बाबा रॉड और शॉन के पास आती है और कहती है इसे यहाँ से ले जाने की कोशिश भी मत करना, आज रात हमें इसकी बलि देनी है। बाबा कहते हैं लगता है तुम लोगों को भी मेरे लेजर से जलाकर मारना होगा। मम्मी ये सुनकर भड़क जाती है और अपनी पावर से वहाँ कई सारे मॉन्स्टर्स को बुला लेती है। मॉन्स्टर्स को देखकर गुल्ली बुल्ली रॉड और शॉन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मॉन्स्टर आकर बाबा को मारते हैं, बाबा दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। मॉन्स्टर गुल्ली बुल्ली और रॉड को मारने आगे आ रहे थे लेकिन तभी रॉड मॉन्स्टर को फ्रीज कर देता है। रॉड गुल्ली बुल्ली से कहता है जल्दी से शॉन को लेकर यहाँ से भागो। गुल्ली बुल्ली ने शॉन को छुड़ाया और रॉड ने बाबा को उठा लिया और सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। मम्मी कहती है ये लोग यहाँ से बच के जाने नहीं चाहिए, जल्दी चलो। मम्मीज गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉड का पीछा करने लगती है। शॉन रॉड से पूछता है हम मम्मीज की दूसरी दुनिया से कैसे बाहर निकलेंगे। रॉड कहता है मुझे इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। अभी ये लोग भाग रहे थे तभी रॉड का पैर फिसलता है। रॉड और बाबा नीचे जाकर गिरते हैं। मम्मी रॉड और बाबा के बहुत ही करीब आ जाती है। तभी
बाबा ने सारी ममीज को मार दिया है। गुल्ली कहता है, बाबा इन ममीज को अपनी लेजर से जलाकर मार दीजिए। गुल्ली की बात सुनकर बाबा कहते हैं, चोट लगने की वजह से मैं बिल्कुल कमजोर पड़ गया हूँ, मैं अपनी लेजर से इन्हें नहीं मार पाऊंगा। रॉड गुल्ली बुल्ली और बाबा से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए, क्योंकि मॉन्स्टर्स ज्यादा देर तक फ्रीज नहीं रहेंगे और वो लोग बर्फ तोड़कर बाहर आ जाएंगे। अभी रॉड ये बात बोल ही रहा था, तभी मॉन्स्टर्स बर्फ तोड़कर बाहर आ जाते हैं। रॉड सबसे कहता है, भागो, मॉन्स्टर्स बर्फ तोड़कर बाहर आ गए, तुम लोग हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। और मॉन्स्टर्स गुल्ली बुल्ली रॉड बाबा और शॉन का पीछा करने लगते हैं। बाबा जिन का दिया हुआ नक्शा निकालते हैं और रॉड से कहते हैं, इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता थोड़ी दूरी पर ही है, सभी लोग मेरे पीछे आओ। इधर ममीज भी होश में आ जाती है। ममीज मॉन्स्टर से पूछती है, वो किधर भाग कर गए हैं। मॉन्स्टर ममीज से कहता है, वो सभी इधर भाग कर गए हैं। फिर मम्मी और मॉन्स्टर गुल्ली बुल्ली बाबा रॉड और शॉन के पास जाने लगते हैं। इधर बाबा गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड को लेकर उस जगह पर आते हैं जहां से ये लोग अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। बाबा सभी से कहते हैं, इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए हमें उस गुफा में जाना होगा। बाबा, लेकिन उस गुफा तक पहुंचने के लिए हमें इस लावा से भरी नदी को पार करना होगा, लेकिन ये ब्रिज तो टूटा हुआ है। बाबा वो देखो, ममीज और मॉन्स्टर्स इधर ही आ रहे हैं। मैं जल्द ही इस ब्रिज को पार करना होगा, जल्दी चलो। गुल्ली बुल्ली बाबा रॉड और शॉन ब्रिज पार करने लगते हैं। बाबा आप भी जल्दी आ जाओ, ममीज और मॉन्स्टर बहुत ही करीब आ चुके हैं। तुम लोग जाओ, मैं इन्हें सबक सिखा कर आता हूँ। मॉन्स्टर जाकर इस बुड्ढे की चटनी बना दो। लेजर से मॉन्स्टर को जला देते हैं। ममीज ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तूने ये अच्छा नहीं किया, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। बाबा ने सारी ममीज को धूल चटा दिया है। फिर बाबा ममीज को लेजर से जलाकर मार देते हैं। फिर बाबा ब्रिज के दूसरी तरफ आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा रॉड और शॉन गुफा के अंदर जाते हैं और एक टनल से होकर ममीज की दुनिया से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर सभी लोग ड्रैगन पे बैठते हैं और खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें।